आप पिला दीजिए, शायद आपके हाथों से ले ले। ये बहुत अच्छा किया बेटा, पर ये मिला कहाँ तुम्हें? हम तो ढूंढते रहे रसोई में, अजवाइन का डब्बी था कहाँ? जी वो ऊपर वाले इस रैक पर एक कोने में दाएं हाथ पर रखा है। बड़ा अच्छा मौका मिला है पड़ जाई हमारे किचन से चीजें चुराने का। चुप कर, एकदम चुप, एक सब नहीं सुन नाम को। हम बुलाए थे इसे, इसीलिए आई है ये। माथा खराब कर रखा है हमरा। जी कुछ काम था आपने बुलाया? हाँ बेटा थोड़ा काम तो था। तुम्हारी देरानी की हालत तो देख ही रही हो। हाय, पहले से किसी काम की थी नहीं है। बाकी बेटा सब सफाई हम नौकरों से करवा लिए हैं, पर घर और मंदिर की सफाई तो घर वाले ही करते हैं ना। मैं क्या कमाल कर दिया मम्मी, इनको तो हमने घर के बाहर निकाल दिया ना, तो ये घर वाले कैसे हुए? मैं क्यों चुप रहूं? बेटा मंदिर लगा दोगे? जी, पर एक बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी जी का दिया ना मैं नहीं जलाना इस बार, क्योंकि मैं ही पवनियों की शहानी हूं। ये बात ध्यान रखना। चुप कर, ऐसे बात करते अपने भौजाई से? हजार बार समझाया है, थोड़ा विनम्र बन। बेटा बेटा देखो ना, घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो। एक तो दीना बहन ने बिस्तर पकड़ लिया है, और इधर दिन रात घर में कलेश चलता रहता है। हम सबको देवी माँ की कृपा की बहुत जरूरत है बेटा, मदद करोगी? इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं सब कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना चाची कैसी है, वो आपको दिया जलाने नहीं देगी, हमें घर से निकाल दिया उन्होंने। घर को साफ सफाई करने की बात आई, सजाने की बात आई, तो हमें बुला लिया गया। सिम्मी ये घर किसका है, ये कमरा किसका है? मम्मी ये सब हमारा है, चाचा चाची ने धोखे से ले लिया है। तो हर साल हम इस घर को साफ करते थे ना, बेबे बीमार हैं, कुछ देख नहीं सकते, तो हम ये सब ना करें, सही बात है क्या? जो दिया जलाता है माँ लक्ष्मी जी का, उसी को आशीर्वाद मिलता है, ऐसा नहीं है? दिल में अगर श्रद्धा हो ना, तो उन्हें भी उनका शीश मिलता है, तो फिर सफाई तो होनी चाहिए हर साल की तरह, घर तो जगमगाना चाहिए ना हर साल की तरह। जाना थोड़ी देर। अरे इस बार बड़े वाले लेने हैं मैंने। ओए! हट जाओ तारी। क्या करने लगा तू? वो चाचा जी घर के सबसे बड़ी है ना, इसे उनको आरती देने जा रहा था। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना तुझे उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, आराम कर रही है, आराम करने दे। और तुम लोगों की ना पूजा हो गई, बस जाओ आप अपने घर, चलो कार जाओ। इसकी तो मैंने ना हेलमेट।
मनु, तूने तूने तेल डाल दिया था माचिस पे। मनु, तूने कितनी चालाकी से मम्मी के हाथों से दिया जलवा दिया। शाबाश मनु। अम्मा, बीजी की आवाज, मम्मी का नाम लिया उन्होंने। ओए, हट जाओ तारी। कहाँ जा रहा है इतनी रात? मम्मी, आज शाम को ना मैंने पीजी की आवाज सुनी, जैसे कि वो आपको पुकार रही हूँ। लेकिन चाचा ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जब मैं आरती देने गया ना उनको, तो उन्होंने फिर से टोक दिया। मम्मी, मुझको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं घर जाके बीजी को देख कर आता हूँ। मैं अभी गया, अभी आया। मनु, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेबी कहीं बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? और अगर तुझे जगन ने देख लिया ना, तो और भी गड़बड़ हो जानी है। तू रुक, मैं जाकर आती हूँ। मम्मी, आप सो जाओ, मैं चला जाता हूँ। आप कुछ नहीं भूल पाओगे, लेकिन मैं तो उस घर में काम करता हूँ ना। मनु, कैसे सो जाऊं? कैसे चैन मिलेगा मुझे तेरे बगैर? शाबाश, ये है शेर पवनिया। और इसी ने मेरे बच्चे का दिमाग खराब किया है। सुखी का माफी मांग चाची से अभी। ओ शायो, समझी? शाह कभी माफी नहीं मांगते। खबरदार जो हाथ लगाया उसको। जगन बाबू, हरजीत जी, आप मेरे साथ जरा आएंगे, मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। अब हो जाना है फैक्ट्री का टेंडर खारिज और मेरे पापा का सपना पूरा हो जाएगा। जिस फाइल ने ये टेंडर जीता है, उस फाइल की संख्या नंबर है